वक्त मौजूद हूँ रास पहाड़ी में। ओबरा डाला बिल्ली मारकुंडी अपने खनन के लिए फेमस है। ये कभी गगनचुंबी यहाँ पे पहाड़ियाँ हुआ करती थी, आज ये पाताल बन चुका है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं केसर प्लांट में छोटी छोटी गिट्टियाँ बिल्डिंग मटेरियल के तहत तैयार हो रही हैं, लेकिन मानक की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जाती है। अधिकांश क्रेशर प्लांट की हालत यह है कि मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त क्रेशर प्लांट से गिट्टियाँ संचालित होती है, गिट्टियाँ बनाई जाती है, उस वक्त पानी का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कहीं भी लगभग 90% ऐसे क्रेशर प्लांट मुझको यहाँ पर मिले जहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा, मानक को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ की तमाम ऐसे क्रेशर प्लांट है जो फर्जी परमिट देते हैं और लोड करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन केसर प्लांट सीज नहीं किया जाता। आखिर खान अधिकारी क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? समय की शिला पर खड़ी जनता सोच रही है आखिर इतने बड़े अपराध का जिम्मेदार कौन है। प्रदूषण से पूरी तरीके से ये फैल चुका है, चारों तरफ प्रदूषण एक तरह से मरकज बन चुका है। ये ओबरा डाला मारकुंडी बेल्ट सोनभद्र में त्राही माम मचा हुआ। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है, पर्यावरण से खिलवाड़ किया जाता है, नेचर को इधर से उधर किया जा रहा है, नेचर डिसबैलेंस हो रहा है। आखिर पर्यावरण का अत्याधुनिक धुआं की वजह से जो दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं होगा? लेकिन उसके बाद भी ये खुला खेल पर उपकाबाजी किया जा रहा है। ये खनन का खेल तब खेला जा रहा है जबकि ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। वो योगी आदित्यनाथ जी जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती है माना कि मैं हूँ आपका मेजबान समर्थक।